अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपके स्कूल का पहला दिन है और पहले दिन आपके मास्टर साहब आपको स्कूल की झाड़ू देकर कहते हैं कि पूरे स्कूल की सफाई करो, और ऐसा वो एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन या 4 दिन लगातार करते हैं। अगर आप ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो वो आपको माँ बहन की गालियाँ देते हैं। याद रखिए, आप छोटे बच्चे हैं और आपका स्कूल का पहला दिन है। ऐसे में ना ही आपको हैंडपम्प से पानी पीने की इजाज़त है और ना ही आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि आप गंदे कपड़े पहनते हैं तो आपको लोग गंदा कहते हैं, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं तब भी आप पे फप्तियाँ कसी जाती हैं। करें तो करें क्या? आपके लिए सोचना ये थोड़ा मुश्किल होगा। आप कहेंगे, छोटे से बच्चे पे इतना जुल्म कौन ढा सकता है? वो भी सिर्फ एक कारण की वजह से, कि आपकी जाति आपके प्रिंसिपल को या आपके टीचर्स को एक अछूत जाति लगती है। उनके लिए आप एक अछूत हैं और इसी कारणवश आपके साथ इतना कुछ हो रहा है। क्या आप ऐसे स्कूल में, ऐसे माहौल में पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। पर आज भी कई बच्चे, कई लोग ऐसे माहौल में पढ़ते हैं जहां उन्हें उनकी जाति का स्मरण कराया जाता है, जहां लोग उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते। ऐसे में एक दलित की आत्मकथा पढ़ना साहित्यिक तौर से तो ज़रूरी है ही है, पर यह हमें समाज का आईना दिखाने के लिए भी ज़रूरी है। आज जिस किताब की मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है जूठन। जूठन को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 2 खंड में लिखा है, पहला और दूसरा खंड। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर इन किताबों की चर्चा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ। ये चूड़ा जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो घर का काम था, ये कह सकते हैं जो काम इनकी जाति वाले लोग करते थे, वो थे मांस निकालना। जो मर जाते हैं जानवर, उनका मांस निकाल के उन्हें बेचना, ये काम ये करते थे। उसके अलावा बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर, ये भी इनसे कराया जाता था। और इनके पिता यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का ये सपना था कि उनका बेटा पढ़े और अपनी जाति सुधारे। तो इसी सपने को लिए कि बड़े होकर उनका बेटा उनकी जाति सुधारेगा, वो उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा देते हैं, और वहाँ से शुरू होती है वाल्मीकि की कहानी जूठन। पहले मैं आपको इस किताब का शीर्षक जूठन का मतलब समझा देती हूँ, जैसा कि लेखक ने इसमें बताया है। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बराती खाना खा रहे होते थे तो चूड़े दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। फेंक देने वाली चीज़ हमारी भूख मिटाने वाली थी। तो यहाँ पे जूठन का मतलब है लेफ्ट ओवर्स, जो भी खाना बच जाता था वो इन लोगों को दिया जाता था, तरस खा के, दया दे के। और यही जूठन शीर्षक इनकी ज़िंदगी को भी दर्शाता है कि कैसे दलित लोगों के साथ उन्हें जो भी बच जाता है आखिर में वो दे दिया जाता है, उन्हें उनके हक की चीज़ नहीं मिलती बल्कि बस निपटाया जाता है। पहले खंड में वाल्मीकि अपने बचपन की बात करते हैं। ये बस्ती में रहते थे, उस बस्ती में जब कुछ हो जाता था, बारिश आ जाती थी और इनके घर, इनकी छत बहने लगती थी, तो ये लोग क्या करते थे? जब इनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, ना ही सिर्फ बच्चों ने बल्कि प्रिंसिपल ने और अलग अलग टीचर्स ने इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, वो भी इसमें देखने को मिलता है। हाई स्कूल के बाद जब ये ड्रॉप करते हैं, इनका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे कैसे मार्क्सवादी विचारधारा से संपर्क में आते हैं, कैसे ये लेखन शुरू करते हैं, थिएटर में पहुँचते हैं, ये थिएटर आर्टिस्ट बनते हैं, थिएटर डायरेक्टर बनते हैं, एक राइटर बनते हैं। जितने भी आंदोलन हो रहे होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स का एक ग्रुप होता है, वहाँ से ये कैसे प्रभावित होते हैं। चूँकि ये सरकारी नौकर हैं तो इनका कई जगह ट्रांसफ़र होता है, और जब ये कई जगह ट्रांसफ़र होता है तो ये कई जगह दलित के साथ अलग अलग तौर पे, अलग अलग स्तर पे कैसा कैसा व्यवहार होता है वो देखते हैं। इनकी ही जाति के लोग इनसे कैसे पेश आते हैं, इनसे कैसे भेदभाव करते हैं। जो पहला खंड है वो राइजिंग वाल्मीकि के ऊपर है, या कह लीजिए उनकी पर्सनैलिटी जो अभी उभर रही है। कहाँ वो एक छोटे दबे हुए बच्चे थे जो दबके रहते थे, जो जिन्हें लगता था कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। फिर उसके बाद कैसे उन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू किया, उसके बाद कैसे मार्क्सवादी विचारधारा से वो संपर्क में आए, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो थिएटर राइटर, थिएटर डायरेक्टर, आर्टिस्ट बनते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ने पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों है। और जब आप आज के अखबार पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यार क्या बदला है, ये तो आज भी है। पहले खंड में एक रोचक व्याख्यान है जिसे मैं बताना चाहूँगी, जिसके बाद हम दूसरे खंड की चर्चा करेंगे। जब इनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में थी तो वहाँ पे एक लड़की थी जो इन्हें पसंद करने लगी थी, जो ब्राह्मण परिवार से थी।
वाल्मीकि इन्होंने जब सरनेम रखा तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता था। बहुत से लोग वाल्मीकि को ब्राह्मण समझ लेते थे, यानी कि इनको ब्राह्मण समझ लेते थे। ऐसे में इस लड़की को भी ये ब्राह्मण लगते थे, इस लड़की के घर वालों को भी लगता था कि वाल्मीकि एक ब्राह्मण है। ऐसे में जब लड़की इनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी तो इन्होंने कहा कि चलो एक बार इसे बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि गलत फहमी में कुछ गलत हो जाए। तो सविता जो लड़की है उसे ओम प्रकाश वाल्मीकि पूछते हैं कि तुमने उस एससी उस महार को अलग बर्तन में चाय क्यों पिलाई थी। तो वो कहती है कि घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सब के लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं। ये भेदभाव तुम्हें सही लगता है? अरे तुम नाराज क्यों होते हो? उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं? क्यों नहीं खिला सकते? होटल में मेस में तो सब एक साथ खाते हैं, फिर घर में क्या तकलीफ है? सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। ऐसी अनकल्चर्ड असभ्य होते हैं, गंदे रहते हैं। इसके बाद मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने उत्तर प्रदेश के चूड़ा परिवार में जन्म लिया है। सविता गंभीर हो गई, वह रोने लगी थी। मेरा ऐसी होना जैसे कोई अपराध था। वह काफ़ी देर सुबकती रही। हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था। हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर गई थी। एक झूठ को हमने संस्कृति मान लिया था। तो ये एक व्याख्यान था। तो पहले खंड में आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके जाति के कारण इतना सब कुछ भोगना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे खंड की। इस खंड का पहला संस्करण 2015 में आया था और इनका निधन 2013 में हो गया था। इस खंड की शुरुआत ओम प्रकाश वाल्मीकि की देहरादून पोस्टिंग से होती है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि एक जाने माने लेखक बन चुके हैं। उनकी कविताएं, उनकी कहानियां ना सिर्फ मैगजीन्स बल्कि स्कूल की एनसीईआरटी में भी छप चुकी हैं। उन्हें कई कवि और लेखक सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है स्पीकर के तौर पे। वे अपनी फैक्ट्री में एक सम्मानित पद पर हैं, वे एक सरकारी नौकर हैं और बहुत अच्छे सरकारी नौकर हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें इनकी जाति के कारण हमेशा नीचा दिखाने को तैयार रहते हैं। इसमें एक वाक्य है, मैं उसे बताती हूँ। मैं एक सम्मानित पद पर इस फैक्ट्री में आया हूँ, वह भी एक विशिष्ट योग्यता के साथ। यह बात लोगों के गले ही नहीं उतर रही थी, वह इसे आरक्षण द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ जोड़कर देख रहे थे। मेरी पढ़ाई लिखाई परीक्षण अनुभव के बारे में वे जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ये सब एक अलग तरह का अनुभव था। इन्हें ना केवल अपने कार्यालय में, अपनी फैक्ट्री में जाति के कारण इतना कुछ सहना पड़ता है, बल्कि आम जिंदगी में भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, वो भी तब जब ये इतने उच्च पद पर पहुँच चुके हैं। इन्हें देहरादून में घर ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। लोग सब कुछ फाइनल कर देते थे, किराया भी फाइनल कर देते थे, लेकिन जैसे ही बात जाति की आती थी वो टालम टोली करके कैसे न कैसे इन्हें मना कर देते थे। इसी खंड में वह ट्रेड यूनियन के दोगलेपन को भी बताते हैं। तो कुछ मजदूर होते हैं जो इनकी फैक्ट्री के, जिनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे थे, जिन झुग्गियों में, जिन झोपड़ी में रह रहे थे, वो बारिश की वजह से गिर जाती हैं और वो सब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ऐसे में जब ये अपने संगठन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन मजदूरों की मदद के लिए आवाज़ उठाइए, उनके हक के लिए बोलिए, तो इन संगठन जो कहने को तो ट्रेड यूनियंस हैं और मजदूरों के लिए बनी हैं, उनका जवाब सुनिए। वे हमारे सदस्य नहीं थे, असंगठित मजदूर थे, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वाक्य से वह इतना क्रोधित थे, उनके अंदर इतना आक्रोश भर गया कि उन्होंने एक कविता लिख डाली, मौत का तांडव। और इसके बाद वो अपनी पूरी फैक्ट्री में जाने लगे कि ये दलितों के समर्थक हैं, ये एक दलित हैं, लोग इनकी जाति खोजने लगे। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि ये दलित हैं, लोगों का व्यवहार इनके प्रति बदलता गया। इस खंड में वह बताते हैं कि वह कैसे अपने दोस्तों के साथ बस्तियों में जाते थे और अम्बेडकर जयंती बनाते थे, अम्बेडकर की विचारधाराओं को आम लोगों तक, दलित लोगों तक पहुँचाते थे। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो गौर फरमाने वाली थी, वो ये कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी कभी किसी के धर्म को या किसी जाति को गंदा नहीं बोला। जैसे लोग उनकी जाति को गंदा बोलते थे, वो ये नहीं कहते थे कि तुम ब्राह्मण है तो मैं तुझसे दोस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि इनके काफ़ी सारे दोस्त ब्राह्मण थे, इनके काफ़ी सारे दोस्त दूसरी जाति के थे, जो इनसे उच्च जातियाँ थी उनके थे। उन्होंने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, अगर इंसान अच्छा है तो वह इनका दोस्त है। और ऐसे कई लोग थे जो इन्हीं की जाति के थे, जिनसे इनकी कभी भी बनी नहीं। इनकी लाइफ में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ इन्होंने साहित्य के द्वारा लोगों के दृष्टिकोण को बदला।
और आखिर में इस किताब का अंत वो एक गुड नोट पे करते हैं, एक संतुष्टि के साथ करते हैं। अब आखिर में मैं इनकी भाषा शैली के बारे में आपको बता देती हूँ। जो पहला खंड है, इसकी भाषा शैली मुझे थोड़ी सी एडवांस लगी, थोड़ी सी टफ़ है। अगर आपने कभी भी हिंदी किताबें नहीं पढ़ी तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आएगी, आपको इसकी भाषा सहज लगेगी। वहीं जो दूसरे खंड की भाषा शैली है वह बेहद आसान है, इसे कोई 14-15 वर्ष का बच्चा भी पढ़ सकता है। पहला खंड 160 पेजेस का है और दूसरा खंड 150 पेजेस का। दोनों का प्राइस 200 ईच है और ये पब्लिकेशन है राधा कृष्ण पेपरबैक्स। इस किताब का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।